गरियाबंद जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते हाथियों के द्वारा इन 3 सालों में 5 मौतें हो चुकी हैं। बीती रात भी उदयंती सीता नदी टाइगर प्रोजेक्ट के बफर जोन के तौरंगा परिक्षेत्र के गांव अरगड़ी में एक व्यक्ति की मौत हाथियों ने कुचलकर कर दी। दरअसल गरियाबंद जिले में लगभग 50 से अधिक हाथियों का दल लगातार विचरण कर रहा है। वन विभाग से मुनादी कर लोगों को जंगल न जाने की सलाह दे रहे हैं, जबकि ग्रामीण इन जंगलों के वन उपज के सहारे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ऐसे में उनका जंगल न जाना संभव नहीं है। हाथियों का आतंक जिले के फिंगेश्वर छुरा गरियाबंद मैनपुर देवभोग क्षेत्र तक फैला हुआ है, जिसके चलते जिला वासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। वन विभाग के द्वारा लगातार मुनादी करके ग्रामीणों को सतर्क और दूर रहने के साथ ही जंगल न जाने की बात कह रहे हैं, किंतु यह वनवासियों के लिए संभव नहीं है। वनवासियों का जीवन वनोपज पर ही आधारित है, जिनका जीवन बगैर जंगल जाए संभव नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में मुनादी कर वन विभाग अपने कार्यों का इतिश्री कर लेता है, लेकिन इसकी खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है। बीती रात उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बफर जोन में स्थित अड़गड़ी में एक व्यक्ति बुधराम खेतों में रखवाली कर रहा था, उसे हाथियों ने कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में आतंक के साए में जी रहे हैं। हालांकि वन विभाग इन हाथियों को दूर रखने की बात जरूर कर रहा है और मौत के बाद 25,000 रुपए तत्काल सहायता देने के बाद अन्य राशि देने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन इन मुआवजा राशि से किसी की जिंदगी वापस नहीं आ सकती। इस बात को वन विभाग को सोचना चाहिए और ऐसा प्रयास करना होगा कि हाथियों को एक जगह समेट कर रखा जाए, अन्यथा जन आक्रोश फैल सकता है और यह आक्रोश भविष्य में गंभीर परिणाम ला सकते हैं। इन पहलुओं के साथ वन विभाग को मानवीय संवेदनाओं के साथ आगे कार्य करना चाहिए। ये घटना कल रात की है, करीब 12 बजे की। हाथी का जो विचरण क्षेत्र हमारा जो रिस गांव और तोरंगा का जो बॉर्डर है वहाँ पे था, तो उसमें एक सयान व्यक्ति जो है रात में लाड़ी बना के वहीं सो रहे थे अपने खेत में। खेत के पास ही जंगल जुड़ा हुआ है हमारा, जरीडी करके गांव है और जंगल अड़गड़ी में आता है 1114 कक्षक्रमा। तो वहाँ रात में जो है दुखद घटना घटी है हाथी के द्वारा, तो उनके परिजनों को हमने जो है तत्कालिक सहायता राशि उपलब्ध कराई है सुबह ही 25,000 रुपये की। उनका प्रकरण भी जल्दी तैयार किया जा रहा है और गांवों में जो है मुनादी भी जो है कल कराई गई थी, शाम को भी करेली में अड़गड़ी में इधर दो जो नज़दीकी गांव हैं उसमें भी लगातार ट्रैकिंग और मुनादी हो रही है। सर, क्या कोई ऐसा निश्चित समाधान नज़र नहीं आता जिससे इससे मुक्ति मिल सके? देखिए, निश्चित समाधान तो अभी फिलहाल वन विभाग की तरफ से यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथी को जो है अपन घने जंगलों में रोका जाए। उसके रोकने के लिए जैसे बड़े बड़े तालाब निर्माण हो गए, उनके लिए फलदार वृक्षारोपण हो गए, बांस रोपण हो गए, इनको जो है उनका रहवास क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। प्लस पैरेलली हम एक हाथी का जो है ट्रैकिंग ऐप और अलर्ट ऐप भी जो है विकसित कर रहे हैं, जो कि 4-6 दिन में वो भी लागू हो जाएगा। उसमें ग्रामीणों को जैसे हाथी विचरण जहाँ कर रहे हैं वहाँ से 5-10 किलोमीटर के परिधि में जितने भी ग्रामीण उसमें जुड़े हुए हैं उनके मोबाइल में जो है SMS अलर्ट या फिर जो है कॉल, ऑटोमेटिक कॉल जो है ट्रिगर हो जाएगा कि आपके नज़दीक में हाथी या जंगली जानवर विचरण कर रहा है तो जंगल में ना निकले। ऐसा करके एक सावधानी बरतने का एक जो है हम प्रयास इसमें करेंगे। सर, कितनी राशि दी गई है तत्कालिक सहायता के रूप में? तत्कालिक सहायता राशि जो है 25,000 का प्रावधान रहता है, तो वो हमने उनके जो वाइफ हैं उनको दिया गया है जनप्रतिनिधियों द्वारा, और अपने जो उनका बाकी का जो प्रकरण है 5,75,000 का वो भी हम 7 से 10 दिन के अंतर्गत उनको भुगतान किया जाएगा। सर, कुछ विदेशी